नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम शैलेश पंचाल है। मैं डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनर हूं और मैं आप सभी के लिए जिनको डिजिटल मार्केटिंग या सोशल मीडिया मार्केटिंग कोर्स सीखने में ये कोर्स जानने में इंटरेस्ट है, उन सभी के लिए मैं एक बहुत ही अच्छी चीज़ लाया हूं। आप मेरे साथ ऑनलाइन लाइव फेस टू फेस डिजिटल मार्केटिंग या सोशल मीडिया मार्केटिंग कोर्स सीख सकते हैं। ठीक है, अब ये फेस टू फेस ऑनलाइन डिजिटल मार्केटिंग कोर्स क्या है या सोशल मीडिया मार्केटिंग कोर्स क्या है और ऑनलाइन सोशल मीडिया मार्केटिंग कोर्स क्या है, दोनों में अंतर क्या है मैं आपको बताता हूँ। अब देखिए, ऑनलाइन कोर्स क्या होता है कि कभी आपको एक वेबसाइट पर चले जाता हो, उस वेबसाइट पर आपने फीस पे कर दी, आपको कुछ वीडियोस मिल जाते हैं, उस वीडियोस के आधार पर आप मान लीजिए वो वीडियो देख रहे हैं। अब देखिए, वीडियोस देख रहे हो, आपको कंटेंट समझ में आ रहा है, सब कुछ सही है, लेकिन फिर आपको उस वीडियोस के रिलेटेड अगर आपको कोई क्वेश्चन करना होता है तो आप नहीं कर पाते हो। देखिए, क्लासरूम क्या होता है, लाइव क्लासरूम क्या रहता है और ऑफलाइन क्लासरूम क्या होता है। ऑफलाइन क्लासरूम देखिए, मान लीजिए आप किसी इंस्टीट्यूट में क्लासेस में चले जाते हो, वहाँ पर कुछ ग्रुप होते हैं, आपको उनके साथ आप क्लास में लेक्चर अटेंड कर रहे हैं। ठीक है, मान लीजिए कि सोशल मीडिया मार्केटिंग का कोर्स चल रहा है, उसमें फेसबुक मार्केटिंग का एक लेक्चर है। अब वहाँ पर क्या होता है कि आप जो ट्रेनर होता है या जो आपको सिखा रहा है, जो टीचर होता है, उसको आप वहाँ फेस टू फेस क्वेश्चन पूछते हैं, फेस टू फेस क्वेश्चन पूछते हैं जिससे वो आपको आंसर दे पाता है। उसी तरीके से ये ऑनलाइन फेस टू फेस, यहाँ पर मैं मेरे स्क्रीन पर आपको, मान लीजिए कि मेरे लैपटॉप पर जो मैं वहाँ क्लासरूम में, मैं जैसे क्लासरूम में आप सभी लोगों को जो मेरे स्टूडेंट हैं उनको मैं जिस तरीके से सिखा रहा था, सेम उसी तरीके से मैं मेरे स्क्रीन पर, लैपटॉप के स्क्रीन पर जो भी मैं सिखा रहा हूँ या शेयर कर रहा हूँ वो आपको वहाँ पर दिखेगा। तो यहाँ पर देखिए, मैं अभी भी बोल रहा हूँ कि ये डेमो लेक्चर की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं प्रैक्टिकल की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पर क्या होता है कि आप लाइव क्लासरूम के साथ मेरे साथ जुड़ सकते हो, उसमें 4-5 स्टूडेंट्स होंगे, उसमें भी कैसे होता है कि आपको कोई क्वेश्चन होता है आप पूछ सकते हो वहाँ पर। और एक चीज़, ये फेस टू फेस सोशल मीडिया मार्केटिंग कोर्स सीखने का या डिजिटल मार्केटिंग सीखने का और एक फ़ायदा मैं आपको बताता हूँ, एक एक करके फ़ायदा बताता हूँ। पहला फ़ायदा तो यही हो गया कि भाई आप लोग मान लीजिए कि फेस टू फेस सोशल मीडिया मार्केटिंग कोर्स आपने ज्वाइन किया, ज्वाइन करते टाइम आपको पहला फ़ायदा ये होगा कि आप लाइव, मतलब मान लीजिए अभी मैं पढ़ा रहा हूँ, सेम स्क्रीन आपके यहाँ पर शेयर हो रही है आपके लैपटॉप पे, प्लस आप मोबाइल में भी देख सकते हैं। तो ये मोबाइल में मान लीजिए कि हो रहा है, तो उस वक्त अगर आपको बीच में कहीं पर आपको लग रहा है कि सर ये सैलेशर चीज़ समझ में नहीं आई, प्लीज़ थोड़ा सा इसे रिपीट करिएगा, तो ये वापस से दोहराया जाएगा। उसके साथ आपको हर क्वेश्चन के आंसर जहाँ तक मुझे मैं दे पा रहा हूँ मैं पूरे के पूरे देने की कोशिश करूँगा। उसी के साथ आप रिवीजन में भी आपको हेल्प मिलेगी। अगर मान लीजिए कि आपको लग रहा है कि रोज़ अगर पूरे हफ्ते का, हम अभी लॉकडाउन है, सभी लोग घर पे हैं, पूरे हफ्ते का कोर्स है, मान लीजिए कि एक दिन छोड़ के एक दिन नहीं, रोज़ का कोर्स है, अब उस वक्त मान लीजिए कि एक दिन आप सभी स्टूडेंट को या जो ग्रुप है उनको ऐसा लग रहा है कि नहीं एक दो दिन ऐसा हमें बीच में प्रैक्टिकल के लिए चाहिए, तो हम घर पे प्रैक्टिस करें और उसके रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन मान लीजिए कुछ आ रहा है या कोई डिफ़िकल्टी आ रही है तो श्योर आप मुझे कॉल करिएगा, वहाँ पर भी आपको वीडियो के थ्रू आपको हेल्प मिलेगा, हम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में भी आपको हेल्प करेंगे। दूसरा, ये तो हो गया पहला वाला, दूसरा वाला ये है कि जो ये कोर्स ज्वाइन कर रहा है और जो हमारा ऑफिशियल ग्रुप है डिजिटल मार्केटिंग ज्ञान, वो सिर्फ और सिर्फ हमारे स्टूडेंट के लिए बना हुआ है, उसमें लगभग तकरीबन कुछ 101 स्टूडेंट अब तक जुड़ चुके हैं। अब उस ग्रुप में आप मेंबर बन रहे हो, दूसरा फ़ायदा उससे क्या होता है कि डिजिटल मार्केटिंग कोर्स या फिर आप किसी इंस्टीट्यूट में सीखे हो या सीख रहे हो या सीखने की सोच रहे हो, अब इंस्टीट्यूट में क्या हो जाता है कि जो अभी चल रहा है ना बस वहाँ तक ही आपको हेल्प मिलता है। मैंने अक्सर इंस्टीट्यूट में देखा हुआ है कि अब तक जहाँ तक सीख रहे हैं या जब तक नॉलेज है बस उसी तक हेल्प करते हैं। लेकिन मान लीजिए कि अभी ये चल रहा है कुछ अप्रैल फिर मार्च, अप्रैल और उसके बाद के जो महीने होते हैं, ठीक है, तो मई जून जुलाई जो भी है, तो वो टाइम में कुछ गूगल में कुछ अपडेट आ रहे हैं, यूट्यूब में आ रहे हैं, फेसबुक में आ रहे हैं, उसका आपको कोई सपोर्ट नहीं मिलता है। यहाँ पर अगर आप हमारे ग्रुप में जुड़ रहे हो, अगर मान लीजिए आप स्टूडेंट हो, आप ग्रुप में जुड़ रहे हो, तो आपको लाइफ टाइम तक, मतलब जहाँ तक हम पहुँचा सकते हैं आपको, वहाँ तक आपको हर अपडेट डे टू डे मिलेगी। मान लीजिए कि गूगल में अभी कुछ हाल ही में कुछ चेंज हो चुका है, देखिए गूगल में क्या हो गया कि अभी शॉपिंग के रिलेटेड कुछ अपडेट्स आए हुए हैं, ठीक है, उसके बाद एल्गोरिथम के रिलेटेड आए हुए हैं, तो ये हर चीज़, फेसबुक में अभी कुछ चेंजेस आए, तो ये हर चीज़ का आपको अपडेट मिलेगा। ये दूसरा फ़ायदा हो गया। तीसरा फ़ायदा ये हो गया आपको कि इन फ्यूचर भी आपको ऐसा लग रहा है कि मतलब मान लीजिए कि प्रैक्टिस हो गई, सब कुछ हो गया, वापस आपको अगर ये चीज़ समझनी है या कुछ डाउट आ रहा है तो आप, हम वहाँ पर भी आपको लाइव सपोर्ट देंगे, लाइफ टाइम सपोर्ट देंगे इस चीज़ के लिए।
तो ऐसे बहुत से छोटे 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 चीज़ें हैं। उसी के साथ हम क्या करते हैं कि कुछ आर्टिकल्स होते हैं जो नोट्स उस टाइप के हम प्रोवाइड करते हैं कि कुछ आर्टिकल आ गया गूगल के रिलेटेड, कुछ अपडेट के रिलेटेड, गूगल का ऑफिशियल अनाउंसमेंट कुछ आ गया, फेसबुक ऑफिशियल अनाउंसमेंट आ गया, तो उस टाइप के कुछ आर्टिकल भी हम आपको सेंड करते हैं ग्रुप में, ठीक है ना। तो ये चीज़ें अपडेट्स आपको हमेशा मिलती रहेंगी। देखिए डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, सोशल मीडिया मार्केटिंग कोर्स सीखना ठीक है, वो हम सीख रहे, सिखा भी रहे, सीख भी रहे, सब अपनी जगह पे सही है, लेकिन क्या आप अपडेट हो या सिखाने वाला कि आपको हर टाइम अपडेट रख रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए फेस टू फेस सोशल मीडिया मार्केटिंग, फेस टू फेस सोशल मीडिया मार्केटिंग ये ऐसा कोर्स है जो लाइव आपके घर बैठ के आपको ये दिखने मिल रहा है। मैं ये नहीं कहूँगा कि भाई कुछ वीडियोज़ है, आप उस वीडियोज़ को परचेज करिए, मेरे वीडियोज़ को, और घर बैठ के देखिए, फिर आपको उसमें कुछ प्रॉब्लम होगा तो मुझे मेल करिए, फिर मेल में देखूंगा, फिर उस मेल का आंसर करूंगा, या तो कमेंट बॉक्स में लिख के कमेंट करूंगा, उस टाइप का नहीं है। यहाँ पर जो हमें सिखा रहा हूँ, मान लीजिए कि 2 to 4 का, दोपहर का 2 से 4 का बैच है, और मैं इस जो स्क्रीन पे शेयर कर रहा हूँ वो लाइव ऑडियो और वीडियो वो पूरा का पूरा आपको आपके स्क्रीन पे दिखेगा। ये इसका खास बात ये भी है कि आप लैपटॉप, डेस्कटॉप और मोबाइल में भी ये लेक्चर अटेंड कर सकते हैं, ठीक है ना। तो मैं आशा करता हूँ कि इस बात को अगर कोई समझ रहा है। और दूसरी बात देखिए, ये लॉकडाउन में क्या हो रहा है कि ज़्यादातर लोग अपने स्किल को डेवलप कर रहे हैं, ठीक है, हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है, और अच्छी बात है कि हम सभी घर पर हैं, सुरक्षित हैं, लेकिन बेहतर अपॉर्चुनिटी ये है कि क्या हम हमारे स्किल को, मैं इन लोगों की बात कर रहा हूँ जो डिजिटल मार्केटिंग ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं या फिर वो सोशल मीडिया मार्केटिंग में जॉब कर रहे हैं, हो सकता है कोई भी पोस्ट हो उनका या डिजिग्नेशन हो सकता है, तो उनको लग रहा है कि अपग्रेड होना है मान लीजिए, तो उस चीज़ के रिलेटेड या किसी को इंटरेस्ट है सोशल मीडिया मार्केटिंग सीखना है तो स्किल को डेवलप करना है। देखिए अभी 12th के बाद के लोग जैसे कि मान लीजिए स्टूडेंट हैं, उनको लग रहा है कि भाई सोशल मीडिया मार्केटिंग मुझे थोड़ा बहुत इंटरेस्ट है, मैं घर बैठ के कुछ अर्निंग कर सकता हूँ। देखिए कुछ महिलाएँ है हमारी, तो उनके लिए भी बहुत अच्छा चांस है, घर बैठ के आप सोशल मीडिया मार्केटिंग, फेसबुक पे ऐड कैसे, स्पॉन्सर्ड ऐड कैसे क्रिएट किया जाता है, बूस्ट किया कैसे किया जाता है, अगर लीड जनरेशन तो फॉर्म कैसे क्रिएट किया जा सकता है, तो ये सारी चीज़ें सीखना हम ये हम सीख सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारी जो चीज़ें हैं, अच्छा इसके सिलेबस क्या होगा, कौन कौन से सब्जेक्ट सिखाए जाएंगे, ये सारी चीज़ें मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया जाएगा। मेरा नाम शैलेश पंचाल है और इसके साथ साथ मेरा जो कॉन्टैक्ट नंबर है 8454090990। फिर भी सारी चीज़ें मेरी जो आपके जो भी FAQ होंगे, कोर्स कितना ड्यूरेशन है उसका, फीस क्या होगी, कौन कौन से सब्जेक्ट होंगे, ये सारी चीज़ आपको समझा देंगे, बेहतर समय है ये। अच्छा और एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, एक ये बिजनेस जो बिजनेस कर रहे हैं उन लोगों के रिलेटेड है, ये मैं अपडेट देना चाहता हूँ, यही सही टाइम है आप लोगों तक ज़्यादा से ज़्यादा आपके प्रोडक्ट सर्विस बिजनेस को पहुंचा सकते हो। लोग अभी ये तो ठीक है लॉकडाउन है, लेकिन लॉकडाउन के पहले जो सामान्य दिन थे उसकी अगर मैं बात करता हूँ, एग्जांपल कि आपने अगर गूगल पे या फेसबुक पे मान या सोशल मीडिया मार्केटिंग में कहीं पर भी आपने ऐड उस टाइम लगाया था, और मैं ये मान के चलता हूँ कि आपका एक कैंपेन, एक ऐड प्रोडक्ट का वो 20,000 लोग देख रहे थे, तो अब ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखने की कोशिश करेंगे, हो सकता हो 60,000, 70,000, 80,000 तक पहुँचे। उसके पीछे का एक टेक्निकल रीज़न बताता हूँ मैं आपको कि मैक्सिमम लोग घर पर हैं लॉकडाउन के वजह से, तो वो सबसे ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हैं कहाँ पर, सोशल मीडिया पर, गूगल पर। तो मैन्युफैक्चरर के लिए बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है ये, मैन्युफैक्चरर अब ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो मैन्युफैक्चरिंग के रिलेटेड अगर कोई सर्च कर रहा है, मैन्युफैक्चरिंग के रिलेटेड अगर कोई सर्च कर रहा है तो फेसबुक पे नहीं करेगा, गूगल पे करेगा। तो गूगल पे सबसे ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है उनको कि मैक्सिमम लोग अभी फिलहाल कह सके लॉकडाउन खत्म होने के बाद फिर सामान्य अपनी नॉर्मल लाइफ चालू हो जाएगी, तो उस वक्त अगर अभी जो लीड मिली है तो वहाँ पे काम आएगी। एग्जांपल डिजिटल मार्केटिंग कोर्स के रिलेटेड अगर मैंने कोई ऐड अभी चलाई तो मैक्सिमम लोगों तक पहुँचेगी। अब लॉकडाउन जब खुलेगा तब वो लोग जिन्होंने मेरी ऐड देखी है या तो मुझे कॉल किया है या तो लीड का फॉर्म फिल किया है, मेरे पास कॉन्टैक्ट आया है, मैंने उनको कॉन्टैक्ट किया है लॉकडाउन के दौरान, तो लॉकडाउन खुलने के बाद वही लीड मेरे लिए सेल्स में कन्वर्ट होगी। तो ये बहुत ज़रूरी है। देखिए सोशल मीडिया मार्केटिंग या गूगल मार्केटिंग वो डिपेंड होता है कि आपका बिजनेस का नेचर क्या है, कैटेगरी क्या है, बिहेवियर क्या है आपके ऑडियंस का, वो सारी चीज़ें उस बात की बात है, लेकिन यही एक सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी है बिजनेसमैन के लिए, जो छोटे छोटे बिजनेस है मीडियम स्केल के उनके लिए, कि मैक्सिमम आप अब फिलहाल ऐड क्रिएट कर सकते हो। अब देखिए ऐड क्रिएट करने की बात आती है तो भाई कहा जाएगा कि यार हम तो हमारी एजेंसी को ऑलरेडी हमने दिया हुआ है,
तो देखिए आपने एजेंसी को काम दिया है, लेकिन क्या एजेंसी वो ठीक ढंग से काम कर रही है नहीं कर रही है, तो उसके बारे में भी आप खुद इस नॉलेज को ले सकते हैं। तो वो भी एक सोशल मीडिया मार्केटिंग का छोटा सा कोर्स कर सकते हैं आप। उसके बाद मान लीजिए कि अगर कोई ये कह रहा है कि यार हम तो बहुत स्मॉल स्केल बिजनेस हम चला रहे हैं, या हमारी इतनी फाइनेंशियली हम इस तरीके से नहीं है कि हम यहाँ एजेंसी को हर महीने पैसे दे सके, तो आप खुद सोशल मीडिया मार्केटिंग सीखिए और खुद प्रमोट करिए अपने बिजनेस को। देखिए जितना मैं मेरे बिजनेस को जितना मैं जानता हूँ उतना कोई नहीं जानेगा मेरे बिजनेस को। अगर मैं किसी थर्ड पर्सन को, या मान लीजिए कि मैंने एक एजेंसी है उसको चलाने दे दिया, तो वो एजेंसी का फोकस होगा कि भाई शैलेश पंचाल जी का बिजनेस को बढ़ाना है, लेकिन वो अपना समझ के इतना नहीं करेगा क्योंकि उनके पास बहुत सारे क्लाइंट है। उसी के साथ मैं ये सभी की बात नहीं कर रहा हूँ, जो कुछ उस टाइप के मेरे मैंने देखे हुए एजेंसी क्या होता है कि वो नया नया होता है तो काम ले लेते हैं और फिर चाहिए उतना रिजल्ट नहीं देते, तो रिस्पॉन्स नहीं देते। अब और एक चीज़ मान लीजिए कि अगर मैंने यही चीज़ अगर मैंने खुद ने सीखी, तो जो एजेंसी को मान लीजिए कि एग्जांपल मैं 20,000-25,000 दे रहा था, तो अगर मैं खुद सीख रहा हूँ तो वहाँ पे 5-7,000 रुपये मेरे बचेंगे। मैं खुद कैंपेन रन करूँगा, वहाँ पे बचत होगी मेरी, कम पैसे में ज़्यादा मैक्सिमम रिजल्ट कैसे तरीके लाना, ये सारी चीज़ें मैंने सीखी हुई, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये बहुत बेहतर ऑप्शन है हर एक स्टूडेंट जिसको डिजिटल मार्केटिंग सोशल मीडिया मार्केटिंग सीखना है, हर एक उस व्यक्ति को जो घर बैठकर एक छोटा मोटा व्यापार चला रहा है, हर उस व्यक्ति को जो स्मॉल स्केल बिजनेस है, हर उस व्यक्ति को जो बिजनेस ऑलरेडी किसी को प्रमोशन करने के लिए दिया है उनके लिए बेहतर ये है। तो ये बहुत अपॉर्चुनिटी अच्छी थी। देखिए मैं अभी भी कह रहा हूँ कि ये एक उस टाइप का लेक्चर नहीं होगा कि कुछ वीडियोज़ आपको दे दिया और उस वीडियोज़ को आप देखिए, यहाँ पर लाइव। अच्छा इसके साथ साथ अगर आप सभी को जो भी देख रहे, देखिए कोर्स लेना नहीं लेना वो सेकेंडरी पार्ट हो गई, वो आपके विचार है, आपको अगर लग रहा है कि ज्वाइन करना है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि सबसे पहले हम क्या कर सकते हैं, सबसे पहले हम एक डेमो लेक्चर ले सकते हैं जो पूरा का पूरा फ्री होगा, उसका कोई चार्जेस नहीं होगा। तो वो डेमो लेक्चर हम ऑनलाइन देखते हैं कि भाई ये फेस टू फेस ऑनलाइन कोर्स होता क्या है, हमने शायद पहली बार सुना है, हम ट्राई तो करते हैं। देखिए तो ट्राई करने में तो कोई हर्ज नहीं है, तो फेस टू फेस डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इसको एक बार जरूर से आजमाइए। डेमो लेक्चर पूरा फ्री है, डेमो लेक्चर के लिए आपको एक लिंक दी जाएगी, उस लिंक को फिल करना होगा, उसके बाद हमारे तरफ से जैसे मैं ही कॉल कर देता हूँ, तो उसके बाद आपकी जो बेसिक जानकारी वो ले लेंगे और कुछ शेड्यूल करेंगे कोई इतने से इतने बजे तक हमारा डेमो लेक्चर होगा तो हम वो करेंगे। देखिए मैं कोशिश ये करूँगा कि कुछ ग्रुप होंगे, ग्रुप के साथ हम करेंगे तो थोड़ा सा ज़्यादा ये असरकारक होगा। तो मैं आशा करता हूँ कि जो जानकारी मैं आप तक पहुँचाने की कोशिश कर रहा था वो आपको समझ में आ रही है, या फिर मान लीजिए उसके रिलेटेड अगर कोई डाउट क्वेरी होगी तो आप जरूर से कॉल करिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा जानने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने ये ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों, अभी मेरा इंस्टीट्यूट भी है जो डिजिटल मार्केटिंग कोर्स का है, जो गोड़बंदर आनंद नगर डी मार्ट के वहाँ पर ही है थाने में, तो आप अगर लॉकडाउन के बाद अगर ये चीज़ को समझना है सीखना चाह रहे हैं तो आप वहाँ पर आ सकते हैं, तो वहाँ पर एडमिशन ले सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि नहीं यहाँ पर ऑनलाइन बेहतर है, देखिए मैं अभी भी मैं पूरी 100% देने की कोशिश करता हूँ, जो मैं क्लासेस में मेरा इंस्टीट्यूट में जिस तरीके से पढ़ाता हूँ उसी तरीके से मैं ऑनलाइन पढ़ाता हूँ, वहाँ पे 1% का भी फर्क नहीं होता है। अब ये आप पर डिपेंड है कि आपको ऑनलाइन सीखना है या ऑफलाइन सीखना है। लॉकडाउन के बाद ऑफलाइन जब भी गवर्नमेंट कहेगी कि सारी चीज़ें सामान्य हो गई और उनके जो टर्म कंडीशन है उनके साथ हम सरकार को पूरा सहयोग करेंगे, और उसके साथ फिर जो भी इंस्टीट्यूट हमारा ओपन हो रहा है वापस से, तो वहाँ पर आप एडमिशन ले सकते हैं। या तो अभी ये लॉकडाउन अगर आपको लग रहा है कि भाई लॉकडाउन के दौरान आपको सीखना है तो आप जरूर से सीख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इस चीज़ को ध्यानपूर्वक सुना, क्योंकि अब तक ये वीडियो अगर आपने इतना मिनट तक या जो सुना तो उसका मतलब कि आपको इस चीज़ में इंटरेस्ट था। मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आप मैक्सिमम लोगों तक पहुँचाएंगे। देखिए क्या होता है कि डेमो लेक्चर अटेंड करने के बाद ही आपको समझ में आएगा कि आपको आपका निर्णय क्या होगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। लॉकडाउन के नियम को पालन करिएगा, केंद्र सरकार राज्य सरकार को सपोर्ट करिएगा, जितनी जल्द हम इससे छुटकारा पाएंगे उतनी जल्द हम सामान्य ज़िंदगी जी पाएंगे। देखिए अगर हमें वापस से रोजाना जिंदगी पे अगर आना है, हमारी आर्थिक जो फाइनेंशियल कंडीशन पे वापस से आना है, तो हमें गवर्नमेंट को सपोर्ट करना ज़रूरी है। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, बिना वजह इधर उधर मत घूमिएगा। अगर घूम रहे हैं किसी कारणवश बहुत अर्जेंट काम है आपको, तो मास्क का उपयोग करिएगा, सैनिटाइज़र का भी उपयोग करते रहिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।